हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माई सेल्फ शमशेर, पीएचडी मैथ्स. बेटा, 11th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 3.10 चल रही है. इस एक्सरसाइज में हम 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक कर चुके थे. अब क्वेश्चन नंबर 7th के सेकंड पार्ट में चलते हैं. सेकंड पार्ट में आपसे क्या दिया हुआ है? वी हैव टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x प्लस √3 टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x इज इक्वल्स टू √3. इस टर्म को राइट में लेकर जाइए, माइनस की हो जाएगी. टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x इज इक्वल्स टू √3 माइनस √3 टाइम्स ऑफ टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x. आप यहाँ से √3 कॉमन निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? 1 माइनस टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट एक्स. आप जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज दीजिए. टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट एक्स इज इक्वल्स टू √3. ये आपके पास टेंजेंट 2x प्लस एक्स का फॉर्मूला है, टेंजेंट ए प्लस बी का, और √3 को आप टेंजेंट 6t लिख सकते हैं. अब यहाँ पर हो गया टेंजेंट 3x इज इक्वल्स टू टेंजेंट पाई बाई 3. अब टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y का फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपके पास रिजल्ट होता है x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस y. ये जो 3 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दीजिए तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9, वेयर एन किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से. ये था आपके पास 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. क्लियर है? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8th पे. देखिए, क्वेश्चन नंबर 8th का फर्स्ट पार्ट. 8th के फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है? 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1. इसका मतलब टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1/3. इट मीन्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट पाई बाई 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं. टेंजेंट पाई बाई 6 कितना होता है? 1/√3, और ये 1/√3 का स्क्वायर है. क्लियर है? अब टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर वाई का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वाई. फॉर्मूला नंबर 9 था आपके पास, जहाँ पर एन किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से. बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट है. क्लियर हो गया? इसके बाद चलते हैं 8th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में. 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है? टू कोट एक्स इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स. कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स आप इसमें दोनों तरफ स्क्वेयर कर दीजिए. क्लियर है? या फिर आप इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आपके पास हो गया टू कोट एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वेयर एक्स. सभी को राइट हैंड साइड में ले जाइए तो ये आपके पास हो जाएगा कोट स्क्वेयर एक्स माइनस टू कोट एक्स माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. यानी कि कोट एक्स माइनस 1 की कोट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0. इट मीन्स कोटेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1. इट मीन्स टेंजेंट एक्स की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? 1. और 1 को आप लिख सकते हैं टेंजेंट पाई बाई 4. अब टेंजेंट एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट वाई का आप फॉर्मूला लगा दें तो आपके पास एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस वाई, जहाँ पर एन किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से बिलोंग करता था. ये है आपका सेकेंड पार्ट. इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में. 8th क्वेश्चन थर्ड पार्ट ध्यान से देखिएगा. 8th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपके पास दे रखे है 3 इंटू सीकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 5. ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. सीकेंट स्क्वेयर एक्स को लिखें 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, और प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स एज इट इज इक्वल्स टू 5. तो आपके पास हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस
टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू फाइव। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो जगह थ्री प्लस सिक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू फाइव, इसका मतलब सिक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू टू, और दिस इम्प्लाइज दैट टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन बाई थ्री, और वन बाई थ्री को वन बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आपके पास रिजल्ट बन गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई सिक्स का होल स्क्वायर, और टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टेंजेंट स्क्वायर वाई का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई, ये रिजल्ट हो जाएगा, जहाँ पर एन किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। क्लियर। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। एट्थ क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो है कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टू। आप इसमें काम करें, टू ऐड कर दें, टू सब्ट्रैक्ट कर दें, तो टेन एक्स प्लस कोट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। या आप एक काम करें, कोट स्क्वायर एक्स को लिखें वन बाई टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टू। टेंजेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, वन प्लस टेंजेंट रेज टू पावर फोर एक्स इज इक्वल्स टू टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब आपके पास ये हो जाएगा टेंजेंट रेज टू पावर फोर एक्स माइनस टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ये आपके पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया, और जब ये होल स्क्वायर जीरो है तो इसका मतलब नंबर भी जीरो है, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन की वैल्यू जीरो, इसका मतलब टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन, और वन को आप टेंजेंट पाई बाई फोर का होल स्क्वायर कह सकते हैं। और अब रिजल्ट लगाएंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वाई पाई बाई फोर, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपके पास था एट्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। एट्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में क्या बोलता है देखिए, सेवन साइन स्क्वायर एक्स, सेवन साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू फोर। ये था आपके पास एट्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो एट्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में आप क्या करेंगे, अब दोनों तरफ कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड कर दें। कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सेवन टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू फोर सेकेंड स्क्वायर एक्स। सेकेंड स्क्वायर एक्स को वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिखेंगे, सेवन टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू फोर इंटू वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास हो जाएगा सेवन टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू फोर प्लस फोर टेंजेंट स्क्वायर एक्स। इसको इधर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा थ्री टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन, और ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन बाई थ्री, और ये वन बाई थ्री को लिखेंगे वन बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट पाई बाई सिक्स का होल स्क्वायर। अब टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टेंजेंट स्क्वायर वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वाई, वाई आपके पास है पाई बाई सिक्स, जहाँ पर एन किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। ये था बेटा एट्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। अब चलते हैं एट्थ क्वेश्चन के सिक्स्थ पार्ट में। एट्थ क्वेश्चन सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में क्या बोलता है देखिएगा, टेंजेंट क्यूब एक्स माइनस थ्री टेंजेंट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। आप यहां से टेंजेंट एक्स को कॉमन निकाल दीजिए तो आपके पास हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट आइदर टेंजेंट एक्स की वैल्यू जीरो है और टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू थ्री है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन पाई, जहां पर एन किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से, और यहाँ पर थ्री को आप रूट थ्री का स्क्वायर लिखें और रूट थ्री को टेंजेंट पाई बाई थ्री का होल स्क्वायर लिखें।
ठीक है। अब टेंजेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट स्क्वायर वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वाई, ये रिजल्ट लगा दे। यहाँ पर भी एन किस से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। आप वेरिएबल डिफरेंट भी ले सकते हैं, एन की जगह पी भी ले सकते हैं, क्लियर हो गया। तो एक तो एन पाई और दूसरा एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में। नाइन्थ क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, नाइन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व करना है। टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस फाइव साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर साइन एक्स है तो यहाँ भी साइन में कन्वर्ट कीजिए। टू कोस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस फाइव साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। आप इस टू को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टू माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस फाइव साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। सभी को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस फाइव साइन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब प्रोडक्ट माइनस सिक्स आता है तो यहाँ पर प्लस का तो आ जाएगा सिक्स एक्स सिक्स साइन एक्स, और माइनस का हो जाएगा वन साइन एक्स। ऐड करेंगे तो फाइव, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स साइन स्क्वायर एक्स। फर्स्ट टर्म एज इट इज टू साइन स्क्वायर एक्स, लास्ट टर्म एज इट इज। अब आप यहाँ से टू साइन एक्स को कॉमन ले लीजिए तो आपके पास हो जाएगा साइन एक्स प्लस थ्री, माइनस वन कॉमन ले लीजिए साइन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। दोनों जगह से साइन एक्स प्लस थ्री को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास हो जाएगा टू साइन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। आइदर साइन एक्स प्लस थ्री की वैल्यू जीरो है और टू साइन एक्स माइनस वन की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू माइनस थ्री नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों? क्योंकि जो साइन एक्स होता है ना वो बिलोंग करता है हमेशा माइनस वन से वन के क्लोज इंटरवल में, ये रिजल्ट है, इसलिए नॉट पॉसिबल है। यहाँ पर आएंगे तो इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू वन बाई टू, वन बाई टू वैल्यू साइन की कहाँ होती है, पाई बाई सिक्स पर। अब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का रिजल्ट लगाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन इन टू वाई, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। जहाँ पर एन किस से बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। ये था नाइन्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट में। देखिएगा नाइन्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में है कोट स्क्वायर अल्फा, कोट स्क्वायर अल्फा प्लस थ्री अपॉन साइन अल्फा प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। कोट स्क्वायर अल्फा प्लस थ्री कोसिकेंट अल्फा प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। कोट स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस वन प्लस थ्री कोसिकेंट अल्फा प्लस थ्री इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास हो गया कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस थ्री कोसिकेंट अल्फा प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। मल्टीप्लाई आता है प्लस टू तो टू और वन इसके फैक्टर कर देंगे तो ये आपके पास हो गया कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस टू कोसिकेंट अल्फा प्लस वन कोसिकेंट अल्फा प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। शुरू की दो टर्म में से कोसिकेंट अल्फा कॉमन ले लिया तो आपके पास बचेगा कोसिकेंट अल्फा प्लस टू, कोसिकेंट अल्फा प्लस टू। इसके बाद प्लस वन कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा कोसिकेंट अल्फा प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। दोनों जगह से कोसिकेंट अल्फा प्लस टू कॉमन ले लीजिएगा और ये हो गया कोसिकेंट अल्फा प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब आइदर कोसिकेंट अल्फा प्लस टू ये जीरो होगा या फिर कोसिकेंट अल्फा प्लस वन ये जीरो होगा, इसका मतलब कोसिकेंट अल्फा की वैल्यू माइनस टू, इसका मतलब कोसिकेंट अल्फा की वैल्यू माइनस वन, इसका मतलब साइन अल्फा की वैल्यू माइनस वन बाई टू,
इसका मतलब साइन अल्फा की वैल्यू माइनस वन, साइन अल्फा एज इट इज माइनस एज इट इज वन बाई टू को साइन पाई बाई सिक्स कह सकते हैं। साइन अल्फा एज इट इज माइनस एज इट इज वन को आप साइन पाई बाई टू कह सकते हैं। अब माइनस को आप अंदर भी ले जा सकते हैं, क्लियर है। तो माइनस को जब आप अंदर ले जाएंगे तो ये तो जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स, ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू। अब यहाँ साइन एक्स इजिकल साइन वाई का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स इजिकल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इन टू वाई माइनस पाई बाई सिक्स, जहाँ पर एन किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। और इधर जब आप सोल्व करोगे तो एल्फा की वैल्यू हो जाएगी, एन की जगह एम भी ले सकते हैं, एम पाई प्लस माइनस वन की पावर एम इंटू वाई माइनस पाई बाई टू। अब आप इसको, और जहाँ पर एम किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से, एन या एम या पी कुछ भी ले सकते हैं। इट मीन्स एल्फा की वैल्यू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन प्लस वन इंटू पाई बाई सिक्स, और यहाँ पर एल्फा की वैल्यू हो जाएगी एम पाई प्लस माइनस वन की पावर एम प्लस वन इंटू पाई बाई टू, क्लियर है। यहाँ पर एम इंटीजर से बिलोंग करता है और यहाँ पर एन इंटीजर से बिलोंग करता है। ये आपका रिजल्ट था नाइन्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। इसके बाद चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, सॉरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर टेंथ का फर्स्ट पार्ट, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर टेंथ के फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, टू साइन स्क्वेयर एक्स प्लस रूट थ्री कोस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। साइन स्क्वेयर को कोस स्क्वेयर में चेंज कीजिएगा, वन माइनस कोस स्क्वेयर एक्स प्लस रूट थ्री कोस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस टू कोस स्क्वेयर एक्स प्लस रूट थ्री कोस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। आप सभी को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस रूट थ्री कोस एक्स और माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, प्रोडक्ट आता है माइनस सिक्स, माइनस सिक्स तो माइनस टू रूट थ्री और प्लस का वन रूट थ्री, मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आ जाएगा। और यहाँ पर भी कोस एक्स और यहाँ पर भी कोस एक्स, बीच वाले टर्म के दो टुकड़े कर दिए। फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी टू कोस स्क्वेयर एक्स, लास्ट टर्म भी एज इट इज रहेगी। इनमें से टू कॉमन ले लेंगे, टू कोस एक्स तो आपके पास हो जाएगा कोस एक्स माइनस रूट थ्री, प्लस में रूट थ्री कॉमन ले लेंगे कोस एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। इसके बाद दोनों जगह से कोस एक्स माइनस रूट थ्री कॉमन ले लेंगे तो आपके पास हो गया टू कोस एक्स प्लस रूट थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। आइदर कोस एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स टू जीरो और टू कोस एक्स प्लस रूट थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब कोस एक्स की वैल्यू रूट थ्री नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कोस एक्स की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा माइनस वन से वन के क्लोज इंटरवल में होनी चाहिए। इसका मतलब कोस एक्स की वैल्यू माइनस रूट थ्री बाई टू, माइनस एज इट इज रूट थ्री बाई टू वैल्यू कोस की होती है थर्टी पर, कोस पाई बाई सिक्स। अब कोस नेगेटिव कौन होता है, सेकेंड में, सेकेंड में जाने के लिए पाई माइनस होता है, कोस पाई माइनस पाई बाई सिक्स। इसका मतलब आपके पास हो जाएगा कोस फाइव पाई बाई सिक्स। और अब कोस एक्स इजिकल कोस वाई का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपके पास हो जाएगा एक्स इजिकल्स टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई, वाई आपके पास है फाइव पाई बाई सिक्स, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पर एन किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। ये आपके पास था टेंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, टू एन पाई प्लस माइनस फाइव पाई बाई सिक्स। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये बिलोंग नहीं करता क्लोज इंटरवल, माइनस वन से वन के क्लोज इंटरवल में बिलोंग नहीं करता, इसलिए, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल।
तो इस तरीके से आगे क्वेश्चंस बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।